हेलो फ्रेंड्स, सीयूसेट 2022 के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 16 अप्रैल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 16 अप्रैल, तो आज हम वर्ल्ड वाच डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में किस स्थान पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में। देखिए यह प्रधानमंत्री संग्रहालय है और तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का निवास स्थान हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं हम व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भूषण कुमार को। चलिए यह जो 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आप हमारे इन कोर्सेस से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए टीम सऊदी को सर रिचर्ड हेडली मेडल सम्मानित किया गया है, जो कि किस देश द्वारा सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूजीलैंड द्वारा। यह उनका फोटो है। यह क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट मैच खेलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए, जिन्हें हाल ही में फिर से नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इकबाल सिंह लालपुरा। तो हम एनसीएम के बारे में देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। यह जो 17 मई 1993 को फंड किया गया था, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसमें देखिए 6 रिलीजियस कम्युनिटीज है, कौन कौन से, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जोरास्तिक है और जैन कम्युनिटी है। यह उनका चित्र है इकबाल सिंह जी का। यह एक्स आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, यह पंजाब से बिलोंग करते हैं, यह बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने 2022 में रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर प्रज्ञानंदन। चलिए यह उनका फोटो है। यह जो चेन्नई के 16 इयर्स ओल्ड है। चलिए यह आइसलैंड में मैच खेला गया है। चलिए आगे देखते हैं हम निम्नलिखित में से किसने हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूजीसी ने। आप यूजी एक्स के साथ साथ आप एक कोर्स कर सकते हैं, 2 डिग्री एक साथ में आप ले सकते हैं अपसेट। इस समय यह कब स्थापित किया गया था, यह 1956 को स्थापित किया गया था। यह हायर एजुकेशन के लिए। इस समय इसके चेयरमैन जगदीश कुमार है। चलिए आगे देखते हैं हम निम्नलिखित में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम। चलिए यह उसका एक फोटो किया गया है, जिसे यह डिस्कवर किया गया था कब, पहली बार 1929 में। चलिए आगे देखते हैं हम हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य के जमशेदपुर में आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम देख लेते हैं। यह 2018 से स्टार्ट किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें अंडर 17 के लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है, अंडर 21 तक कॉलेज स्टूडेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं
निम्नलिखित में से किस स्थान के विशेषज्ञों के नेतृत्व में कावेरी नदी में मछलियों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IISc द्वारा यह स्टार्ट किया गया है कि उनमें जो मछलियां पाई जाती हैं, मछलियों में प्लास्टिक, उसको कावेरी नदी से बाहर करने के लिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश की महिला हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर जूनियर महिला हॉकी विश्वकप 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदरलैंड वोमेन हॉकी टीम द्वारा। यह देखिए पहली बार 1974 से स्टार्ट किया गया था और पहला सेशन 1974 हुआ था और अभी हाल ही में देखिए नीदरलैंड ने जीता है और जो दूसरा है जर्मन सेकंड स्थान पे था और थर्ड स्थान पे इंग्लैंड था। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।